ये कसाई करनी पड़ती है, 15 साल हो गए अमृत भाजी से पूछ रहा हूँ, तभी तक मेहनत कर रहा हूँ यार, तालियां मारो बच्चे के लिए। और दोनों मैडम आप यकीन नहीं करोगे, वो सारे जूनियर डर रहे थे कि इसको जूनियर में नहीं डालना शुगर है, ये उनको भी हरा देता। कुछ कहना चाह रहे बेटा, आई लव यू बोलेंगे मैडम। हाय, इधर हम इधर बैठे हैं। वो देखो कितनी प्यारी मैडम है, मैडम अभी तक अमेली करी आपको कर रही है। कैसे हो, कितने साल के हो आप? 5 साल के। आपको डांस किसने सिखाया? सर ने। कौन से सर ने? जतिन सर ने। इतना अच्छा। वाकई यार कितना, मेरे हिसाब से इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। हेलो, देखो सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आराम से खड़ा हो, धमकियां क्यों दे रहे हैं? मिनट बाद ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी सर, एक मिनट बातचीत चल रही है जतिन के साथ। अच्छा, आप कितने टाइम से डांस कर रहे हो? कितने टाइम से बेटा डांस कर रहे हो, कितने साल हो गए आपको? बेटा शोर करना है, नीचे चले जाओ। सर चुप कराओ इनको। बेटा कितने साल हो गए आपको डांस करते हुए? मतलब कल से शुरू किया, परसों से, कब से किया? आपने सिखाया इसको डांस? और भी बोल दो आई लव यू वगैरह। बेटा एक दिन आप स्टार जरूर बनोगे, ऐसा डांस किया तो बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। मैंने पहले भी बोला ये फेक फॉर्म बहुत बड़ा है, और कहते हैं ना तारीफ क्या करूं अल्फाज नहीं मिलते, ये तो वो फूल है जो बार बार नहीं गिरते, बार बार नहीं। ठीक है बेटा, होगी प्रमोशन मेरी हाथ में ला ले, जो इनाम मिलेगा अदा अदा कर लेंगे, ठीक है? सबके साथ बातचीत करूंगी। तो एक और पर्सनैलिटी हमारे बीच में आई है, एक इंटरनेशनल प्लेयर है वो, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करने में हिम्मत नहीं आती। पंकज चुग सर से रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूजिक, राज सर उनको लेके आइए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। और दो ही बच्चों ने परफॉर्म किया था, तो सेकंड भी आपको पता ही है, चिका।